प्रकाश गुर्जर हत्याकांड की जांच को लेकर भीम आर्मी यौ आजाद समाज पार्टी ने सीएम के नाम बालाघाट कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा 26 सितंबर 2022 को आगरा में आकाश गुर्जर की एनकाउंटर में मौत हो गई थी। इसी मामले की जांच को लेकर भीम आर्मी यौ आजाद समाज पार्टी संगठन बालाघाट के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम बालाघाट कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बताया कि 26 सितंबर 2022 को आकाश गुर्जर पिता लाल सिंह गुर्जर निवासी गोडारा थाना सराय झूला जिला मुरैना से अग्निवीर भर्ती में शामिल होने के लिए बस द्वारा आगरा गया हुआ था। बस से उतरते ही उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए उतारा गया और पूछताछ के दौरान 3 गोली मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान आकाश गुर्जर की मौत हो गई थी, जिसको लेकर भीम आर्मी यौ आजाद समाज पार्टी के द्वारा आकाश गुर्जर की मौत की जांच सीबीआई से करवा कर यौ मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि व 1 शासकीय नौकरी प्रदान की जाने की भी मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रितेश बोरकर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील बेले, संभागीय प्रभारी नीलेश बौद्ध, जयप्रकाश सूर्यवंशी, संतोष गेडाम, महेंद्र बंसूड़, आदर्श मेथराम, विशाल वासनिक सहित अन्य की उपस्थिति रही। क्या नाम? रितेश बोरकर, जिलाध्यक्ष भीम आर्मी बालाघाट। क्या ज्ञापन सौंपने? ये घटना है 26 सितंबर 2022 की, जिसमें हमारे भाई आकाश गुर्जर जो अग्निवीर भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आगरा गए हुए थे, लेकिन जैसे ही वो आगरा पहुंचते हैं, जैसे ही बस से उतरते हैं, तो पुलिस उनको संदिग्ध समझते हुए बिना किसी जांच पड़ताल के हमारे भाई के ऊपर लगभग 2 से 3 जो है फायरिंग करते हैं और इसी बीच इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जिस प्रकार से यूपी की जो तानाशाही सरकार है, जिस प्रकार से बिना जांच के इन पुलिस वालों को पता नहीं किसने इतना अधिकार दे दिया कि वो हमारे जो बहुजन समाज के गुर्जर भाई पे जो उन्होंने जो फायरिंग किए हैं, तो इसका भीम आर्मी कड़ी निंदा करती है कड़े शब्दों में। और हम चाहते हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन ये चाहता है कि इस मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। चूँकि आकाश गुर्जर भाई जो है वो अपने परिवार का एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो पालन पोषण करते थे, इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उनको 1 करोड़ का मुआवजा दे, साथ ही परिवार को किसी भी सदस्य को 1 सरकारी नौकरी दे। इसी के लिए हम कलेक्ट्रेट बालाघाट में मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने आए। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।